हे दोस्तों, टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। 2022 की मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। यकीन मानो, आप इन फिल्मों का बजट और बॉक्स ऑफिस सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भाई इतना लॉस कैसे हो सकता है। क्योंकि जिन फिल्मों के बारे में आज हम बात करेंगे वो 2022 की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। सारी बड़ी फिल्में हैं जिन्हें 150, 200 और 300 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप तो और भी बहुत सारी फिल्में हुई हैं, लेकिन इस लिस्ट में हम सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं 2022 में रिलीज हुई बॉलीवुड की 5 सबसे महंगी फिल्मों के बारे में जो अपना बजट भी कवर नहीं कर पाई थी। तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। नंबर 5 पर है लाल सिंह चड्ढा। अब ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि 2022 में रिलीज हुई आमिर खान की ये फिल्म कई कारणों की वजह से फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी हुई थी, लेकिन उस फिल्म ने अपना बजट कवर कर लिया था, पर लाल सिंह चड्ढा अपना बजट नहीं कवर कर पाई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी? तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। लाल सिंह चड्ढा को करीब 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने सिर्फ 120 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड अगर सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 60 से 65 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ही देखें तो लाल सिंह चड्ढा को सीधे 60 करोड़ का लॉस हुआ है। जी हाँ, 60 करोड़ तो भाई हम सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ का लॉस हुआ है। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। नंबर 4 पर है शमशेरा। 2018 में जब शमशेरा फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो मोशन पोस्टर को देखकर काफी अच्छा लगा था, लेकिन जब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद शमशेरा फिल्म को रिलीज किया गया तो फिल्म कुछ खास नहीं लगी और रणबीर कपूर की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। शमशेरा फिल्म को 150 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 63 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शमशेरा फिल्म ने सिर्फ 50 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। सोचो, 150 करोड़ का बजट और कलेक्शन सिर्फ 50 करोड़। अगर वर्ल्ड वाइड ही देखें तो शमशेरा फिल्म को सीधे 87 करोड़ का लॉस हुआ है। जी हाँ, शमशेरा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 87 करोड़ का लॉस हुआ है। शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहब। नंबर 3 पर वो फिल्म है जिसका हम सब काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे। भाई रोहित शेट्टी की फिल्म है तो भला कौन नहीं इंतजार करेगा, लेकिन दिसंबर 2022 में रिलीज हुई रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। सर्कस फिल्म को भी 150 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 60 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइड इंडियन बॉक्स ऑफिस सुन के तो भाई आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सर्कस फिल्म ने सिर्फ 40 करोड़ का कलेक्शन किया था। सोचो, 150 करोड़ का बजट और बॉक्स ऑफिस सिर्फ 40 करोड़। अगर वर्ल्ड वाइड ही देखें तो सर्कस फिल्म को सीधे 90 करोड़ का लॉस हुआ है। जी हाँ, 90 करोड़, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो मेरे साथ होता है उसे क्या कहेंगे? कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे। अभी तो ऐसे बहुत से करिश्मे देखने बाकी हैं। अब दिल थाम के बैठना, क्योंकि अब बारी है नंबर 1 और नंबर 2 की। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही फिल्में अक्षय कुमार की हैं। जी हाँ, नंबर 2 पर है बच्चन पांडे। बच्चन पांडे मार्च 2022 में रिलीज हुई थी जिसे तमिल सुपरहिट फिल्म जिगर थांडा से रिमेक किया गया था। फिल्म ठीक ठाक है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या ये फिल्म रिमेक की वजह से फ्लॉप हुई थी? कह सकते हैं, लेकिन रिमेक के अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। बच्चन पांडे फिल्म को करीब 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 73 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। सोचो, बच्चन पांडे को बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ था। जी हाँ, 107 करोड़ का लॉस हुआ है। अब क्या कहें इस बारे में? अब तक आपने कितने लोगों को मारा? आपका 50, हम सबका 20, टोटल 70 हो गया भैया जी। और इन दोनों को मारे होते तो 72 हो जाते। नंबर 1 पर है सम्राट पृथ्वीराज। 2022 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाया गया था और आपको शौक लगेगा कि बॉक्स ऑफिस पर सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को 210 करोड़ का लॉस हुआ है। जी हाँ, अक्षय कुमार की ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। पता नहीं ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन मैंने भी सुना था कि अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज को 40 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था। तो भाई 40 दिन में और क्या मिलेगा?
तो सम्राट पृथ्वीराज 300 करोड़ के बजट बनाई गई थी और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 90 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। तो सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को 210 करोड़ का लॉस हुआ है। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। और ये जानकर आपको शौक लगेगा कि इन 5 फिल्मों को करीब 960 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर 554 करोड़ का लॉस हुआ है। जी हाँ, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 5 करोड़ नहीं बल्कि 554 करोड़। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड की इन 5 फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।